Hey everybody, good evening. Hi Anshika, Sarbjeet, Shruti. Good evening, Macha. Good evening, all of you. Hi. Okay. Fatafat se share and fatafat like and share so that more and more students can join us here. And today we are starting with some important questions of photosynthesis. ठीक है तो फोटोसिंथेसिस की मैं आपको टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करा रही हूँ. हाय श्रेया, हेलो गरिमा, हाउ आर यू बच्चा, वेलकम टू द सेशन. आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन नीट वोया चैनल ऑफ अन अकेडमी. यहाँ पर आपको और भी यूट्यूब के सेशंस के अलावा अन अकेडमी ऑल्सो प्रोवाइड्स योर लाइव क्लासेस ऑन द ऐप. ठीक है तो ऐप को ऐसे डिजाइन किया गया बेटा ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके इन अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, इट्स ईजी फॉर यू टू आस्क डाउट्स, इज ईजी फॉर अस टू आंसर डाउट्स. तो उस चीज में ना ज्यादा अच्छा कनेक्ट हो पाता है कंपेयर टू अ यूट्यूब सेशन. तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव सेशंस, पर्सनलाइज्ड सेशंस, आप क्या कर सकते हो, जस्ट डाउनलोड द ऐप. ओके, यहाँ पे फ्री लीड ऐसे पोल्स होते हैं, क्लास में क्वेश्चन कराते हैं हम, उसका आपको लीडर बोर्ड बन के मिलता है. ठीक, इसके बाद क्लास के बाद यू गो फॉर टेस्ट. उस टेस्ट का अच्छा डिटेल एनालिसिस यू गेट, जिसमें आप और एक हेल्प ले सकते हो बाय अ मेंटर. वो आपकी मदद कर देंगे कि हाउ टू आंसर एंड हाउ व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. एक बार ये पता चल गया तो देन यू कैन गो फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस. या आप वैसे भी अगर पीछे बैठे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन योर सेल्फ स्टडी टाइम, तो उसको भी हम डाउट सेशन में ले सकते हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ सेशंस गोइंग ऑन द ऐप. एक बार आप लोग डाउनलोड करके देखो, आई कैन बेट ऑन इट, इट विल बी वे मोर इंटरेस्टिंग एंड मतलब एनरिचिंग. ये आपका ऐप है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे आप जा सकते हो प्लस पे. इसके लिए फटाफट एनरोल कराओ, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन. दिस इज वेयर आई एम टेकिंग राइट नाउ सेल चैप्टर, जो मैं कंटिन्यू करूंगी अभी 2-3 दिन बाद. ठीक है, सो यू हैव दिवाली ब्रेक टू थिंक अबाउट इट. फटाफट से प्लस पे नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन और ये सारे ड्यूरेशंस अवेलेबल है बेटा. ठीक है, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द ड्यूरेशंस. आप 12-month कोर्स या 24-month कोर्स के लिए अगर जाते हो तो आपको फर्दर 10% ऑफ भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोमल लाइव कोड लगाना है. ये आपको 10% ऑफ दिला देगा 12 महीने वाला 12th क्लास के लिए, और ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, 24 months वाला इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स. ठीक, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइनली पे फॉर ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट. तो आप किसी एक टीचर के लिए यू आर नॉट पेइंग. हाय आनंद, जस्ट स्टार्टेड बेटा, जस्ट स्टार्टेड. हेलो रजत. ऑलराइट, इसके अलावा वी हैव अ वेरी वेरी ऑसम न्यू यू कैन से कोर्स, जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलता है बेटा. बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि यार पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम कौन सॉल्व करे, मेरे लिए कौन यू नो प्लान करके दे एक प्रॉपर टाइम टेबल और सब कुछ. तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक कोर्सेस. प्लस भी है, नो प्रॉब्लम. यू फील प्लस इज बेटर और आप उससे कम चला लोगे, नो इशूज, यू डोंट वॉन्ट समबडी एल्स. बट अगर आपको मदद है सो डोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर. जितनी जल्दी हो सके इसको करो, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा जाएगा बेटा उतना पैनिक क्रिएट होता जाएगा आपके अंदर. वी डोंट वॉन्ट दैट. तो इसके लिए जाओ, कोमल लाइफ कोड लगाओ, गेट योर 10% ऑफ और 12 महीने और 24 महीने का आपका अमाउंट कम हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज जस्ट सो सच अ सिंपल अमाउंट. कितना अमाउंट देखो आप, मुश्किल से 4,000 रुपए पर मंथ, जिसमें आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो एंड इन डिटेल, एनसीईआरटी लेवल से ऊपर, जहां आपका नीट भी कवर होता है, एनसीईआरटी भी कवर होता है, बोर्ड्स भी कवर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज है, आप एंगेज्ड हो अच्छे तरीके से. इट्स अबाउट नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन अ सोशल मीडिया ऐप, इट्स अबाउट लर्निंग. तो आप जितना टाइम ऐप पे गुजारोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, है कि नहीं. Now, ये अमाउंट आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हो इफ यू फील कि एकदम से ज्यादा बर्डन आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. यू डिवाइड इन टू ईएमआईज, यू डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, यू पे इट इन पार्ट्स. ओके, बढ़िया. दिस इज द अमाउंट. ओ, दिस इज द टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पे सारे टीचर्स जितने भी नीट वोया पढ़ाते हैं आपको लिंक
भेज देते हैं अपनी क्लास का, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाके घूम घूमना ना पड़े, तुरंत आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, क्लैट कोचिंग, हाँ इसके बारे में भी एक बारी बात करना चाहती हूँ मैं, कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन है जिनके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, एंड दे वांट टू गो फॉर लॉ का प्रिपरेशन, है ना? हाय सत्यम, तो उस उनको थोड़ा हेल्प होगा इन देयर लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के लिए प्रिपेयर करने में। तो जस्ट गिव देम एन आइडिया दैट अन अकेडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन। एंड हाई कॉन्करर्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एवरीबडी रेडी विद अ पेंसिल एंड अ पेपर, जल्दी। हाय सुमंत, थैंक यू, जल्दी 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 रेडी। हाय शक्ति, रेडी विद द क्वेश्चंस एवरीबडी, शीट पेंसिल पेपर रेडी, परफेक्ट। तो एंड में जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कराती हूँ, एंड में कितने राइट क्वेश्चंस हुए, कितने रॉन्ग क्वेश्चंस हुए, और आपने कितने अटेम्प्ट नहीं किए, हाउ मेनी यू लेफ्ट, ये डेटा हम आज के सेशन के एंड में निकालेंगे, ठीक है? तो आप अपने पास लिखते रहो, आपके पास सेशन की एक आंसर की बन जाएगी, और एंड में ये भी पता चल जाएगा कितने सही कितने गलत। Alright, so let's check your speed. Alright, bundle sheet cells. Question number one. Bundle sheet cells are rich in PEP carboxylase, are rich in rubisco, lack rubisco, or lack both rubisco and pepcase. अब problem इस question की ये है कि ये नहीं बताता कि ये C3 की बात कर रहा है कि ये C4 की बात कर रहा है कि नहीं? Yes, Sumant. तो ये बता नहीं रहा, लेकिन अगर बंडल शीट के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है, सो देन यू आर गोइंग टू आंसर इज विद रिस्पेक्ट टू C4 प्लांट। और C4 प्लांट में कौन प्रेजेंट है? वी हैव रुबिस्को इन बंडल शीट सेल्स बिकॉज इट विल बी मोर एंड देयर विल बी कैल्विन साइकिल इन C3, C3 साइकिल इन रुबिस्को। गुड रजत, ठीक है। पेपकेज जो है वो मीजोफिल सेल्स में मिलता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल्स हैव पेपकेज एंजाइम इन C4 प्लांट्स। सो आंसर बी। कूल, आनंद क्लियर हुआ बेटा, गुड। क्वेश्चन नंबर टू, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को मोड़ तरोड़ के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका मतलब C4 से क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में। वी नीड टू पे अटेंशन ऑन C4 प्लांट्स, ठीक। हाय दिशा, हेलो, यार वाह क्या बात है। नेक्स्ट, C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स ड्यू टू। ये बहुत दिन से काफी बार क्वेश्चन बार 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 रिपीट पे आया है, डाउट सेशन, डाउट ग्रुप में भी और डाउट सेशंस में भी। तो अभी तक ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स ड्यू टू presence of a larger number of chloroplasts in the leaf cells, higher surface area, presence of thick thin cuticle, low rate of photorespiration. So the answer for this is going to be good. One or A, because photosynthesis is absent in C4. So ज़्यादा appropriate one हो जाता है। Excellent, good दिवाकर, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फटाफट से लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैंप हेल्प्स द प्लांट इन। कैंप पाथवे की एनसीईआरटी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादा पुराना क्वेश्चन ये 2011, 9 ईयर्स बैक, ठीक है। 2021 से हिसाब लगाओगे तो 10 साल पहले, और 10 साल पहले तक के क्वेश्चन टॉप लास्ट 10 ईयर तो हम सॉल्व करते ही है ना। तो ये चीज एनसीईआरटी में ना होते हुए भी आप कैम साइकिल को पढ़ोगे, ठीक है। मैंने क्लास में भी कराई है, यूट्यूब सेशन पे भी कराया है, मेक श्योर यू वॉच दैट रिकॉर्डिंग। गुड, सो इट हेल्प्स द प्लांट इन सेकेंडरी ग्रोथ, नो। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू, ग्रेट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इस पाथवे की वजह से वी हैव स्टोमाटा ओपनिंग एट नाइट, और आप ये कह सकते हो क्योंकि स्टोमाटा रात को ओपन होता है इसलिए ये पाथवे चल पा रहा है, ठीक है। तो स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा, स्टोमैटा इज व्हाट वी हैव इन दिस दीज प्लांट्स, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, रिप्रोडक्शन में नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक,
बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. PGA is the first carbon dioxide fixation product was discovered in photosynthesis of. PGA was the first carbon dioxide fixation product was discovered in the photosynthesis of. Basically पूछ रहा है C3 cycle का पहला product कहां पर ढूंढा गया. Gymnosperms, bryophytes, angiosperms और algae. एल्गी, कौन सी एल्गी, कौन सी एल्गी? आई वॉन्ट टू नो द एल्गी नेम दैट दैट मेल्विन केल्विन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन. केल्विन साइकिल का डिस्कवरी वॉज इन विच एल्गी? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग. हेलो अंजलि, एंड आई वॉन्ट टू सी कितने बच्चों का सही आता है ये वाला आंसर. Good. Chlorella and Cenodesmus as well. Chlorella and Cenodesmus. अब Cenodesmus और Chlorella दोनों कैसे algae हैं बेटा? Green algae. तो आप समझ रहे हो कैसे आप एक question में से पूरा topic revise कर सकते हो? This is how you have to go. एक point पूछा, algae वहाँ answer तो है, कौन सा है? So you need to revise. Right. Excellent. Question number 5. A plant in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows higher rate of photosynthesis at higher temperatures, and has improved efficiency of nitrogen utilization. Utilization, not fixing. Utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? C3 तो ये है नहीं, क्योंकि ये photosynthetic losses, photorespiratory losses avoid कर रहा है. So it will be good. C4. C4 path. ठीक है. अच्छा, why not CAM? Nitrogen utilization का इतना ज्यादा नहीं है, वरना उसका rate, speed of increasing growth would have been higher. बट कैम प्लांट्स का हमने नहीं देखा है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ. ओके, एंड नाइट्रोजन फिक्सर नहीं बेटा, नाइट्रोजन यूटिलाइज कर रहा है, एफिशिएंसी इज हायर, इट्स अ C4 प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट, बार बार कैम का नाम आ रहा है. 2016 में भी कैम एटलीस्ट ऑप्शन में था. ठीक है, तो जो ऑप्शन आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे, कि अगले साल कहीं किसी ऑप्शन से क्वेश्चन ना निकल आए. So we will take care of that as well. Hi Radhika. Badhiya. Question number 6. In the leaves of C4 plant, malic acid formed during carbon dioxide fixation occurs in the cell of. Malic acid ka formation poocha jana hai. Kahan hota hai? Phloem, bundle sheath, epidermis or mesophyll. Socho. मैलिक एसिड बन कर ट्रांसपोर्ट होता है, वो ऊपर वाले सेल में बनता है C4 एसिड और नीचे आता है C4 एसिड. गुड. मेसोफिल सेल्स, दे आर बीइंग फॉर्मड इन द मेसोफिल सेल्स, दे मूव टू द बंडल शीट सेल्स. कूल, गुड श्रेया, गुड. गड़बड़ किया ना, देखा मैंने, गर्मा देखा मैंने. गुड, दे एक्सेलेंट. मेसोफिल सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. In leaves of C4 plant, फिर से shuffling है. 2008 का question है और ये 2007 का question है. देखो जरा, 7 का question, 8 का question. Leaves of C4 plant, malic acid synthesis occurs in carbon dioxide fixation in mesophyll, epidermis, bundle sheet, guard cells. देख रहे हो, consecutive year में similar question आया. तो प्रीवियस ईयर्स करने का फायदा ये होता है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन या उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके भी मिल जाता है. कोई ना, इट्स ओके. राइट, तो इसका आंसर हमने जस्ट अभी किया, मेसोफिल. ठीक है. अच्छा, ऐसे में गलती क्या होती है, फाइनल पेपर तक जाते जाते आप इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो गए ना, कि आपको ऑप्शन तक भी याद होगा कि इसका ऑप्शन तो बी था. For that reason, you need to read it properly.
क्योंकि आप देखो, अरे हाँ, मैलिक एसिड सिंथेसिस, पता चला उसने मैलिक एसिड सिंथेसाइज एंड देन मूव्स टू, पूछा हो तो हो गया वो पटवाई, गया काम से कहानी। तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन देखा है के चक्कर में, हाँ टिक, रीड द होल क्वेश्चन, फिर आने दो, सेम आने दो आंसर, थोड़ा सा कुछ माइक्रो सेकेंड्स का फर्क पड़ जाना है, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो गलत नहीं होगा, है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनली ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में मेजरली काम करेगा, और वो C3 प्लांट में जब मेजरली काम कर रहा है तो कौन से 3 ऑर्गेनली रिक्वायर्ड है? गुड, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया। 2012 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें बाकी सारे ऑप्शन सेम, बट द ऑप्शन गिवन थर्ड वाज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिजोम्स। तो कोई भी करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, फिर भी करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ऐसे में आप क्या करोगे? गो विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर। एक में ER है, वो तो होता नहीं, गोल्जी भी नहीं होता, वैक्यूल भी नहीं होता, तो यही ऑप्शन बचा। अब चाहे इसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया पहले लिख दू, क्लोरोप्लास्ट बाद में लिख दू, गलत होगा, इट्स नॉट द राइट सीक्वेंस, बट एटलीस्ट दे आर 3 ऐसे ऑर्गेनली जो काम तो आते हैं, तो वो भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज, जिसका मेन डिफरेंस क्रिएट होता है C3 C4 में, ग्लाइकोलिसिस, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी। गुड, द डिफरेंस इज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 इज मेजरली ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। एक्सिलेंट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन, रजत यू आस्क मी दिस क्वेश्चन इन इन डाउट सेशन, देखा उसके बाद जाके वापस, फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कौन से ऑर्गेनली में कंज्यूम होता है? ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिजोम्स, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिजोम्स, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो वन थिंग दैट इज नॉट इन NCERT एंड हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज कैम प्लांट्स। सेकेंड थिंग दैट इज नॉट इन NCERT एंड हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज द पाथवे ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो दोनों को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? सॉल्व देम प्रॉपरली, राइट देम डाउन इन योर NCERT, और अब होगी रजत पिटाई। ग्राना में, ग्राना इज द थैलाकोइड, वेयर डज द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस? फोटो रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, वेयर डज द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिजोम, दोनों में ऑक्सीजन यूज होगा, ठीक है? करेक्ट हो गया, फिर गलती करी। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो, उसको आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए एटलीस्ट 3 बार होना जरूरी है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। पहली बार कुछ कुछ समझ आता है, दूसरी बात समझ में आता है, लेकिन बहुत बहुत गैप्स होते हैं उस इंफॉर्मेशन में, एंड द थर्ड टाइम यू फाइनली फिल दोस पर्टिकुलर गैप्स। तो इसीलिए सारी चीजें पता होनी जरूरी, और रिवीजन 3 टाइम, एक बार पढ़ो, 2 बार रिवाइज करो, ये नीट से पहले पहले हो जाना चाहिए सबका। हाय दुष्यंत, फटाफट से लाइक एंड शेयर, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया, 11। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ PAR। 2006 में आया, 4 में आया, 5 में आया, एंड सच अ सिंपल क्वेश्चन,
PAR is what wavelength? Good. 400 to 700 nanometer. Direct NCRT. Thank you, Satyam. ठीक है 340 to 450 जस्ट ब्लू रेंज में आ जाएगा 500 to 600 बीच में आ जाता है दैट इज अराउंड ग्रीन ऑरेंज ग्रीन 400 to 950 यू गोइंग वे बियॉन्ड आप इंफ्रा रेड में भी जा चुके हो उसके भी बियॉन्ड जा चुके हो सो सीधा डेटा क्वेश्चन नंबर 12 ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन हाँ कोई नहीं बेटा गलती करो उससे सीखते हैं दैट इज नॉट एन इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एटलीस्ट यू गेट टू नो वो पिन पॉइंटेड जगह जहां गलती हुई उनको उठाओ और या तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो या एनसीईआरटी में ही एरो करके पॉइंट्स को लिख लो सो दैट एंड में सब कुछ एक जगह हो राइट वो जो अप्रैल का महीना हमने रिवीजन के लिए रखा है ना उस एक महीने में मेरे पास चीजें एक ही जगह पर हो मैं कहीं आंसर ढूंढने निकलूं मेरे को एनसीईआरटी में मिले मैं कहीं आंसर ढूंढने निकलूं मुझे अपने पिन पेज पे मिले मेरे पास टाइम नहीं होगा दिन में चार चार किताबें खोलने का प्रिपरेशन रिस्ट्रिक्टेड जगह पर रखो क्वेश्चन सॉल्विंग सब जगह करो क्वेश्चन उठा के उसके आंसर रखो एनसीईआरटी में एंड देन गो फॉरवर्ड ताकि डज नॉट ब्रिंग दैट पैनिक अटैक कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा ये आखिरी मोमेंट पे ना हो ठीक है समझ में आई बात गुड ऑलराइट क्या होने वाला है इसका आंसर राइट एक्सीलेंट सो ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन फोटो रेस्पिरेशन में हो रहा है इट्स इट्स टू कार्बन कंपाउंड opening of stomata it takes place under low concentrations of carbon dioxide presence of oxygen to वैसे ही रहेगा काफी है ही atmosphere में but it is right lower concentrations of carbon dioxide which makes the plant shift to photorespiration and formation of glycolate okay that induces stomatal opening ठीक है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं होगा और एब्सेंस ऑफ CO2 एब्सेंस तो नहीं होना कॉन्सेंट्रेशन कम ही जाता ठीक है इंड्यूस मतलब करवाएगा ग्लाइकोलेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे करवाएगा और कब करवाएगा एटलीस्ट किस कंडीशन में ओके बढ़िया क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल yields one molecule of glucose. Calvin cycle की एक cycle, one cycle fixes one carbon dioxide. एक carbon dioxide fix करता है हाँ yes, yes रजत ठीक है perfect. तो एक कैल्विन साइकिल एक बनाता है ग्लूकोस इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड सो कितने कैल्विन साइकिल चलने चाहिए छह याद से 20 साल पुराना 26 साल 24 साल पुराना क्वेश्चन है बट इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है दैट मींस अगेन डार्क रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 एज कंपेयर टू द C3 प्लांट हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP How many additional molecules of ATP? Thank you, Web Explorer. Additional molecules पूछ रहा है वो are required or needed for net production of one molecule of hexo sugar. Hexo sugar का मतलब 6 carbon. Per carbon dioxide for one CO2, C3 के compared, C4 में 2 ATP extra लगते हैं. Compared to C3 दो ATP एक्स्ट्रा फॉर वन कार्बन डाइऑक्साइड तो छह कार्बन के लिए 12 ATP मोर ओए फॉर हेक्सो शुगर पूछा गड़बड़ करी सबने ठीक है
गरिमा समझ आया, अंशिका, रजत, क्या हो गया तुम लोगों को? क्या यार तुम लोग, सो मेनी पीपल आई सी योर शेयर, लाइक एंड शेयर फटाफट। समझ में आया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C3 से कंपेयर्ड C4 में 2 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है? C4 में 2 एक्स्ट्रा लगे एक कार्बन के लिए, तो 6 कार्बन के लिए 12। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट्स। फिर आया क्वेश्चन कैम प्लांट्स में, आर ऑलवेज ओपन, नेवर ओपन, ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजेस एट नाइट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके अंशिका। वन ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे टाइम, सो द आंसर फॉर दिस ये। और ऐसे स्टोमाटा को हम क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। कैम प्लांट्स का नाम बोलो, कैम प्लांट्स का नाम बोलो, सीडम, ओपंशिया, कैलेंचो। गुड। क्वेश्चन नंबर 16, द एंजाइम विच फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट्स इज, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन इज नॉट वेरी वेल फॉर्म्ड। पीईपी कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज और RuBP कार्बोक्सिलेज। देखो C4 प्लांट में 2 बार कार्बोक्सिलेशन होती है, डबल कार्बोक्सिलेशन, डबल कार्बोक्सिलेशन, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है? अब जब 2 बार डबल कार्बोक्सिलेशन होना है तो पहली बार ये करता है, सेकंड टाइम ये करता है। पेप्टाइड डज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन इन मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट के अंदर रुबिस्को करेगा, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली C4 की बात की गई है, सो द प्राइमरी वन इज वन, सो यू विल गो विद वन, ठीक है? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बेटा? प्लीज थोड़ा साथ साथ चलो, वोंट बी पॉसिबल बार बार आगे पीछे टॉपिक में जाना है ना, तो एक बार ही थोड़ा सा पीछे ड्रैग करके जस्ट सी दैट अगेन। अगर नहीं समझ में आता तो मैं एक बार सेशन खत्म होते टाइम एंड में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर देख लेना, एंड में आते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 17, सीरीज ऑफ रिएक्शन विच कैन कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू शुगर इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल्स इज, फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने वाला कौन सा प्रोसेस है जो सिर्फ प्लांट्स में चलता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, क्रेब साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। बेटा ये दोनों तो दोनों में चलते हैं, दीज आर नॉर्मल रेस्पिरेशन पाथवेज। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल में ज्यादा बेटर ऑप्शन इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्यों? क्रेब साइकिल फैटी एसिड कन्वर्जन नहीं कराता, बीटा ऑक्सीडेशन है वहां पे, ठीक है? क्वेश्चन ठीक है, कोई नहीं। सो दिस इज समथिंग थोड़ा सा अलग और है भी काफी पुराना क्वेश्चन यार, इट्स ओके, बट क्वेश्चंस कैन बी अ लिटिल मिक्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ। हाय उरोज, 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 हाय। नहीं आया मैम ये, क्योंकि ये पाथवे का नाम है बस, फैटी एसिड टू शुगर बनवाने जा रहे हो आप। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस तो दोनों रेस्पिरेशन में जाते हैं, वो तो नॉर्मल पाथवे है, एनिमल्स में भी होगा प्लांट्स में भी होगा। ऑर्निथिन साइकिल और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, विच वन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम फैटी एसिड? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, नाइस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर लाइक
Fixation of one carbon dioxide molecule through Calvin cycle requires एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फिक्सेशन वाया वन कैल्विन साइकिल रिक्वायर हाउ मेनी एटीपी हाउ मेनी एनएडीपीएच टू टू एटीपी टू एनएडीपीएच टू वन एटीपी वन टू एनएडीपीएच टू थ्री एटीपी टू एनएडीपीएच टू और टू एटीपी एंड वन एनएडीपीएच टू सोच के देखो जल्दी 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 थिंक ग्रेट सो इसमें टोटल तीन एटीपी लगते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में दो रिडक्शन में एक रीजनरेशन में और दो एनएडीपीएच टू बोथ ड्यूरिंग रिडक्शन एक्सीलेंट सेम क्वेश्चन आपका बहुत चीजों के लिए आ सकता है बेटा ध्यान रखना एक कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल का ध्यान रखो फिर वो जितने शुगर का पूछे उसे बता दो यार है ना जैसे पिछला क्वेश्चन हेक्सो शुगर पे था ऐसे कोई आपसे पेंटो शुगर किसी भी नंबर ऑफ शुगर का पूछ सकता है सुक्रोज का पूछ सकता है तो सुक्रोज हैज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ तो फिर आप उसके हिसाब से बताओगे वो 12 कार्बन का हो गया तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक कार्बन के लिए ध्यान रखो बाकी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन कैल्विन साइकिल C3 प्लांट इज सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला सबस्ट्रेट कौन सा है RUBP, PEB, 3PGA और RMP दैट इज रिबुलोज मोनोफॉस्फेट काफी पुराने क्वेश्चंस में है ये बट इतना भी कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है इट इज क्वाइट NCERT बेस्ड दिस इज द वन तभी एंजाइम कौन लगता है रुबुलोज RUBP that is sorry rubisco is the enzyme which is helping in fixing of carbon dioxide with RUBP badhiya question number 20 which of the following is wrong in relation to photorespiration ke hisab se kaun sa statement galat hai wrong statement we have to find theek hai thank you satyam it occurs in chloroplasts पहला इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट्स नेक्स्ट इट अकर्स इन डे टाइम ओनली नेक्स्ट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स सीधा सीधा गलत C4 ने तो अडेप्ट ही अपने आप को इसलिए किया ताकि ये काम ना हो है ना बस काम ही खत्म सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात दी Question number 21. In C3 plants, the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is C3 mein pehla stable compound will be a 3-carbon compound. Theek hai? It's a 3-carbon compound. Toh in charo options mein se kaun sa 3-carbon compound hai? Oxaloacetic acid is a 4-carbon compound. Malic acid is a 4-carbon compound. 3-phosphoglyceric acid is a 3-carbon compound. And phosphoglyceraldehyde is also a 3-carbon compound. But pehla stable, 3-phosphoglyceric acid. Self-cross, that is a genetic question, bacha. Great maker. It's a genetics question. Self-crossing leads to homozygosity. होमोजाइगस कंडीशंस बनते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तो थोड़ा सा हम टॉपिक से एकदम ऐसे भाग के वापस आए लेट्स सी हाउ मच कंसंट्रेशन नाउ यू हैव इन शुगर केन प्लांट 14 कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन मैलिक एसिड इन विच ऑफ द एंजाइम दैट फिक्सेस CO2 शुगर केन में कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में कौन फिक्स करेगा हु इज गोइंग टू फिक्स इट इन मैलिक एसिड रुबिस्को फ्रक्टोज फॉस्फेट फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज और रुबुलोज फॉस्फेट काइनेज गुड अनूप गुड अंशिका एक्सलेंट रजत फॉस्फोइनोल पाइरुविट ग्रेट गुड श्रेया श्रुति Uroj,
हैंड गरिमा, गुड, समझ आया, इजी। तो वही वाली हमारी बात है, डार्क रिएक्शन को तो ज्यादा अच्छे से करके जाना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस है उससे। 23, ठीक है। सुमंत आंसर किया, हाँ सुमंत आंसर किया बट गलत किया ना, ए क्यों किया, आंसर तो सी था। थोड़ा सा ध्यान इधर, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज, C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है? RuBP, PEP, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 23, हाँ, नहीं अनूप, एक्सेप्टर पूछा। गुड गुड रजत, गुड गरिमा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज द एक्सेप्टर। PEP विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड विल गिव यू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। गुड। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग मॉनसून्स द राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया शो लेसर यील्ड ड्यू टू लिमिटेड फैक्टर ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर। मॉनसून है, पानी की तो कमी होने से रही, टेम्परेचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑप्टिमम, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन इशू एट दैट टाइम, लाइट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू, है ना, लाइट बिकम्स एन इशू, पानी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड तो इनफ है। ए, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बच्चा, नहीं, इट डजंट बिकम लिमिटिंग, लाइट समटाइम्स बिकम लिमिटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो इश्यूज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो उतना ही रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच टेक्निक हैज हेल्प्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग कैल्विन साइकिल, ये मैंने आज ही डाउट क्लास में बताया, चलो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, जल्दी 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 जल्दी। गुड। रेडियो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक्स विच यूज, गुड गरिमा, 25th है ना। रजत तुम्हें आज बताया मैंने ये क्वेश्चन, तुम्हारी ये पिटाई होने लगेगी, तुम्हारा डाउट था ये, तुम्हें बताया था ये और तुमने फिर गलत आंसर दिया मुझको, हप। नो प्रॉब्लम, क्या यार, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक्स, हैव ये, हैव ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 26, द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे कहां से स्टार्ट होता है? वी डिड दिस इन द डाउट सेशन ऑल्सो, आपका डाउट ग्रुप में भी चल रहा है, डाउट सेशन में भी डिस्कस किया था, ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA, सीरीन और ग्लाइसिन। फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट कौन है? गुड, ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, उसमें से फॉस्फेट हट जाता है, इट्स द ग्लाइकोलेट दैट इज लेफ्ट एंड एंटर्स द पाथवे, ग्लाइकोलेट इज द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, क्रैंस एनाटॉमी इज अ टिपिकल ऑफ, किसमें मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 C3 C4 C2 कैम। एक्चुअली अगर आप सबके कैरेक्टरिस्टिक देखो ना, तो क्रैंस एनाटॉमी दैट इज रिंग में अरेंज्ड मेसोफिल सेल्स कैम में मिलेंगे, C3 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन मिलेगा, और जिनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है उन्हीं को हम C4 C2 प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कैम के अंदर यू विल फाइंड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन्स द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन,
कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जाके काम आता है? PS2, PS1 लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन, एंड आई कैन बेट ऑन दिस बहुत बच्चों ने गड़बड़ की होगी इसमें। अगर ढंग से सब्जेक्ट को चैप्टर को नहीं समझा होगा तो इसमें गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि आप देखो कितना सिंपल, हद ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एंड सच एन ओल्ड क्वेश्चन दिस इज। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन PS2, PS1 लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिवाइडेड है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना मेन काम है, लेकिन वो काम बाद में होता है और सेकेंड हाफ में हो रहा है। फर्स्ट हाफ वी नीड टू मेक एनर्जी, ट्रैप द सोलर लाइट सो दैट इट कैन बी यूज्ड आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी मैं लास्ट में आपसे पूछने वाली हूँ कितने राइट कितने रॉन्ग, ओके। इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन, कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन, फटाफट से लाइक एंड शेयर, शेयर एज वेल गाइस, फटाफट भेजो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। ग्रानो बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट, C4 में कैल्विन कहाँ चलेगा? C4 में कैल्विन कहाँ चलेगा? ग्राना ऑफ बंडल शीट, स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट, ग्राना ऑफ मीजोफिल, स्ट्रोमा ऑफ मीजोफिल। मीजोफिल मीजोफिल तो गए, उधर तो होता नहीं है। कैल्विन साइकिल रन्स इन द बंडल शीट सेल्स एंड इट इज गोइंग टू रन वेयर डार्क रिएक्शन रन्स। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। गलत किया उरोज, मैंने देखा तुम्हारा आंसर, गलत किया फिर गायब किया। क्या हुआ सरजीत? यू आर द फर्स्ट वन टू बी देयर इन द क्लास। मैंने हेलो सरजीत बोला था। गुड अभिषेक, अभिषेक बेटा ओए गुड नहीं, गलत हुआ। ग्राना नहीं, ग्राना में तो डार्क रिएक्शन होगा ही नहीं, थैलाकोइड है, लाइट रिएक्शन का साइट है, ठीक है। गुड अभी, गुड सुमंत, अंशिका, श्रुति, रजत, सुशांता एंड हु एल्स, हेलो सत्यम। क्वेश्चन नंबर 30, NADP+ इज रिड्यूस्ड टू NADPH इन, रिडक्शन कहाँ होगा? PS2 पे, PS1 पे, कैल्विन साइकिल और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। NADP+ इज रिड्यूस्ड टू NADPH इन, गुड, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नहीं बच्चा, PS1 पे तो ये एनर्जी बनती ही नहीं है, PS2 PS1 दोनों चाहिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जी स्कीम चाहिए, एक्सीलेंट, ओनली देन इट इज गोइंग टू गिव यू NADPH2, ठीक है। हाउ ओके, दैट्स ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द सेशन। बढ़िया, कितने हुए फाइनली? हाउ मेनी राइट, हाउ मेनी रॉन्ग एंड हाउ मेनी डिड यू लीव? मुझे लगता नहीं किसी ने छोड़ा होगा कोई, ठीक है, बट राइट रॉन्ग तो बता दो एटलीस्ट, कितने हुए, किस किस के? हाँ ग्रेट मेकर, आई ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा। सेल्फ क्रॉस इज अ सेल्फिंग दैट इज डन इन जेनेटिक्स, या आप कह सकते हो जेनेटिक लेवल पे जब आप बार बार सेल्फ क्रॉस कराते हो तो उससे होमोजाइगस कंडीशन बनने के कंडीशन चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें पॉसिबल है उसमें हम करा देते हैं, जिसमें नहीं है उसमें नहीं हो पाता, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रेफर सम क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स, सेशंस ऑफ जेनेटिक्स, आपको ईजी हो जाएगा। क्या बात है श्रेया, 28 सही, क्या बात है। सत्यम नीड्स मोर प्रैक्टिस, अरे श्रुति ये 30 on 30, गुड। श्रेया दो गलत हो गए, कोई नहीं। अंशिका यस फुल 30 on 30, एक्सलेंट। अभिषेक नॉट बैड। बाकी सारे, बाकी 8 क्वेश्चन छोड़ दिए या लेट ज्वाइन किया? लेट ज्वाइन किया ना शायद, हाँ कोई नहीं, इट्स ओके। बढ़िया, एनीबडी एल्स, एनी डाउट्स स्टिल हियर? नो प्रॉब्लम, चलो बढ़िया। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन क्लास एज वेल।
फटाफट से डाउनलोड द ऐप, गो टू प्लस, गो टू नीड यू जी, गेट सब्सक्रिप्शन. ये आपका प्लस सेशन का टाइमिंग 2 PM एंड यहाँ छोटा सा चेंबर्स ऑफ सीक्रेट. दिस इज वेयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस. तो आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन किसी भी मेरे वीडियो का, यू विल फाइंड कोमल यादव जान अकेडमी लर्न प्रोफाइल, उस पर आप जाओ या स्पेशल क्लास पे जाना. बहुत सारे फ्री सेशंस मिलेंगे, गो थ्रू इट, एक बार देखो कैसा समझ में आता है, कैसा है सेशन, देन गो टू प्लस. फटाफट से, यू हैव 3 days टू थिंक अबाउट इट, गेट सब्सक्रिप्शन पे. और ये सारे ड्यूरेशन आपके लिए ओपन है, जितने भी ड्यूरेशन आप देखना चाहते हो यू कैन गो अहेड. लेकिन 12-month कोर्स वी मोस्टली आस्क 12th क्लास या ड्रॉप स्टूडेंट्स के लिए, इतना टाइम तो चाहिए होता है. ये ड्यूरेशन थोड़ा क्रैश कोर्स वाला सिचुएशन बन जाता है. दिस इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है. कोमल लाइव आपका कोड है जो आपको बड़े कोर्सेज पे 10% ऑफ दे देगा. प्लस अगर आप कोई छोटा कोर्स भी लेते हो तो क्या यू कैन यूज योर कोमल लाइव कोड. आई विल गेट टू नो हु यूज्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर ऑलरेडी जिन बच्चों ने यूज कर लिया है. ये इतना सा टिंगूस अमाउंट फॉर ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज द आइकॉनिक कोर्स जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प और पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शन के लिए एक और इंसान आपके साथ साथ, तो वो आपकी मदद करेगा आपको एनालिसिस में, पेपर एनालिसिस हो गया, टेस्ट एनालिसिस एंड योर प्लानिंग, कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे कॉलेजेस हैं, कहाँ पे एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स. कोमल लाइव अगेन आप कोड यूज कर सकते हो, 10% ऑफ मिल जाएगा एंड दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे, जो आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हो, EMI के फॉर्म में भी पे कर सकते हो, एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेथड्स टू लर्न एज वेल ऐप पे भी. मेरे जितने भी सेशंस होंगे बेटा, आई विल कीप अपडेटिंग यू इन द टेलीग्राम ग्रुप. प्लस यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट वोयाज. सब्सक्राइब टू नीट वोयाज तो जो भी सेशन आ रहा होगा आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा इफ यू सब्सक्राइब फॉर इट. नेक्स्ट 3 days देर आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग सेशंस. आज 8 बजे 8 PM NCERT की रीडिंग है, अभी इस क्लास के बाद मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम. रजत नॉट बैड, नॉट बैड, 27 इज ऑल्सो अ ग्रेट स्कोर, ठीक है. हैप्पी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पर ही बेटा YouTube पे 8 PM NCERT की रीडिंग लगाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन की, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो फॉरवर्ड ऑन टुमारो सेशन. कल सुबह के लिए दो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आई ब्रॉट इन फॉर यू. वन इज लिलिएसी फैमिली मेंबर के बारे में डिस्कशन. लिलिएसी इज द फैमिली ऑफ द वीक दैट वी हैव, एंड एट 8 AM बाद में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोकैरियोटिक सेल का 8 मिनट में पूरा टॉपिक, विद इन 8 मिनट्स. फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा जल्दी देखा तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज फॉर टुमारो गाइज, मेक श्योर यू नो दिस एंड यू आर अ बिट प्रिपेयर्ड. शाम को तो टाइम होगा नहीं, इसलिए मैंने सुबह रख दिया है सेशन को. गिव इट सम टाइम. दिस लिलिएसी वाला इज हार्डली 15 मिनट्स, ये 15 मिनट का सेशन है और ये 8 मिनट का सेशन है. फटाफट फुल स्पीड में देख लेना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड थैंक यू सो मच. यूज द कोमल लाइव कोड, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जूनियर्स, सीनियर्स, जिसको चाहिए उसको बता दो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. आई विल सी यू टुडे एट 8 PM, ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज, बाय, हैप्पी दिवाली.